Hello, my dear students. How are you? I hope you all would be very fine and would be studying very seriously. आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9 की बिहाइव बुक्स फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड. द फन दे हैड यह एक ऐसी स्टोरी है जो सेट की गई है फ्यूचर को अपने प्रोस्पेक्ट में रख करके और आने वाले आफ्टर 150 ईयर्स के बाद किस तरह से चेंजेज आएंगे स्कूल एंड स्टडी में उनके बारे में एक कल्पना की गई है. किस तरह से बच्चे लर्न करेंगे, क्या उनका स्कूल हमारे स्कूल की तरह होगा, क्या उनके पास हमारे जैसे टीचर्स होंगे या फिर वो अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ पाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को इस स्टोरी में देखना है. एंड हम लोगों को टाइटल का जो रेलिवेंस है कि द फन दे हैड यह क्यों टाइटल रखा गया है, इसको भी स्टोरी के एंड तक डिस्कवर कर लेना है. तो आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बिफोर यू रीड, जैसा कि आप सभी चैप्टर्स में पाते हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पर बिफोर यू रीड टाइटल से कुछ चीज़ें पहले जानकारी दे दी जाती हैं. एंड हियर इज द सेम, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, मतलब ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट के इवेंट की नहीं है, यानी अतीत में कोई घटना घटी है या अतीत की कोई बात नहीं है, ना ही प्रेजेंट की बात है. यह है फ्यूचर में, यानी इसको एक इमेजिनेशन करके, कल्पना करके इस कहानी को लिखा गया है कि आने वाले 150 वर्ष बाद, आफ्टर 150 ईयर्स, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जैसा कि आज हम जानते हैं किताबों के बारे में, स्कूल के बारे में, मतलब जिस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल जा करके किताबों के माध्यम से, टीचर्स के हेल्प से, वो शायद नहीं होंगे. परहैप्स विल नॉट एग्जिस्ट, वो अस्तित्व में नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. तो हम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, यहाँ तो वो उपलब्ध नहीं है, और आप देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे. तो आपको डायग्राम में दिखाई देगा कि स्टूडेंट्स के पास बुक्स के बदले कंप्यूटर्स होंगे, टीचर के बदले, ह्यूमन टीचर के बदले रोबोटिक टीचर, यानी रोबोट उनको पढ़ा रहा होगा. स्कूल के बदले उनके पास अपना एक इंडिविजुअल क्लासरूम होगा जो कि उनके घर पर होगा, है ना. और जो विभिन्न तरह के माध्यम और जो होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, कोई बुक कोई कॉपीज नहीं होगा. हियर वी आर डायरेक्टेड इन पेयर्स, डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन. एक टास्क आपको दिया जा रहा है कि आप जोड़ा बनाइए और डिस्कस करिए कुछ ऐसी बातों को, थ्री थिंग्स एटलीस्ट, कम से कम तीन बातें ऐसी होनी चाहिए जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छा लगता है, और कुछ ऐसी बातें तीन कम से कम वो भी होनी चाहिए जो आपको स्कूल के बारे में अच्छा नहीं लगता, उन्हें आप बदलना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू चेंज, उन्हें आपको लिखना है. तो टेक्स्ट को शुरू करने से पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोगों को मिलने वाले हैं उनका कुछ कुछ वर्ड्स को मैंने आपके लिए पहले लिख दिया है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले कॉपी में इन सारे वर्ड्स को नोट कर लें और जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो इनको मैच करें सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर एवर. एंड हियर आवर टेक्स्ट बिगिंस. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी, जैसा कि मैं आपको बताया कि मार्जी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, ओनली देर आर टू कैरेक्टर्स हियर, मार्जी एंड टॉमी. मार्जी एंड टॉमी नाम के दो कैरेक्टर्स हैं जिसमें मार्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मार्जी ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा, ऑन द पेज हिडेड 17 मई 2157. अभी आप सोच लीजिए कि हम लोग 2023 वाले ईयर में चल रहे हैं, 2157 आने में लगभग 137 ईयर्स हैं, और इतने दिनों के बाद वाली बात को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या होने वाली है, यानी 21 मई 2157 को मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा
कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब, वो किताब जो हम लोग पढ़ते हैं वो मिल गया है टॉमी को। और इस बात को मार्जी ने अपनी डायरी में नोट कर दिया कि टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक एंड द बुक वॉज वेरी ओल्ड। मार्जी ग्रैंड फादर वंस सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। और मार्जी के दादाजी ने एक बार मार्जी को बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी ने यानी मार्जी के ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तो सारी किताबें कागज पर छपी होती थी, प्रिंटेड ऑन पेपर। दे टर्न द पेजेस और वो पन्नों को पलटते थे, विच वेर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या होते थे वो पीले होते थे और मुड़े चूड़े होते थे। लेकिन यहां बात हो रही है उस किताब की जो टॉमी ने पाया है। तो टॉमी और मार्जी मिलकर के उस किताब को बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की किताब देखा नहीं है, उनकी सारी किताबें कंप्यूटर्स में हैं। तो वे पन्ने को पलट रहे हैं एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इन स्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू। और जिस तरह उनके कंप्यूटर पे वर्ड्स मूव कर रहे होते हैं यानी इधर से उधर घूम रहे होते हैं, एक तरफ से निकल कर दूसरे तरफ वो विलुप्त सा हो जा रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस किताब में तो वो देख रहे हैं कि पन्ने पलटने के बाद भी पीछे वाले पन्ने को फिर से पलट करके बहुत आसानी से वो शब्दों को देख पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई, इसीलिए इट वॉज अवफुली फनी, उनके लिए बहुत मजेदार लग रहा था उस किताब को पलटना, उस किताब को पढ़ना। एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड वेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। पन्नों को पलटने के बाद जब वो पीछे पन्ना पलट रहे थे तो भी वो देख रहे थे कि अरे सारे शब्द तो ज्यों के त्यों हैं। और इसलिए मार्जी और टॉमी को बहुत आश्चर्य लग रहा था। लेट अस जंप टू द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या बात करते हैं, टॉमी कह रहे हैं ये व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है कि ये तो बहुत बर्बादी है, वेस्ट है, कितना बर्बादी है कि जब कोई आदमी इस तरह की किताब को पढ़ लेता होगा या पढ़ लेगा तब तो उसे क्या करेगा, थ्रो कर देगा, फेंक देगा। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस बुक हैं, लाखों लाख किताबें हैं और अभी उसमें और किताबें रखी जा सकती हैं। मार्जी कहती है सेम विथ मैन, मेरे साथ भी तो वही है। मार्जी वॉज 11, सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेल बुक एज टॉमी हैड। और मार्जी टॉमी से छोटी थी, टॉमी वॉज 13 एंड मार्जी वॉज 11 एंड स्वाभाविक सी बात है कि मार्जी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उतनी टेल बुक्स यानी उतनी किताबें नहीं देखी थी, नहीं पढ़ी थी अभी तक जितना टॉमी ने पढ़ा था। तो मार्जी ने टॉमी से पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिली तुमको यह किताब, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। और टॉमी ने बिना मार्जी की तरफ देखे हुए कह दिया अरे घर में मिली, इन द एटिक, छज्जे पे मिली है। व्हाट इज इट अबाउट, मार्जी अगला क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज इट अबाउट, यह किताब किस चीज के बारे में, व्हाट इज इट अबाउट, स्कूल। तो टॉमी ने उत्तर दिया स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, अब मार्जी थोड़ा सा मुंह बना ली, चिड़चिड़ा सा मुंह कर दी, स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कहती स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में भला क्या लिखने वाली चीज हो सकती है, आई हेट स्कूल। मार्जी ने कह दिया मुझे तो स्कूल से नफरत है, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल ना पसंद था, वो नफरत सी करती थी स्कूल से, क्यों, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आजकल वह कुछ ज्यादा ही अपने स्कूल से नफरत कर रही थी। वो कौन से स्कूल की बात है, जो मार्जी एंड टॉमी के पास है, उनके अपने घर में स्कूल है, क्लासरूम में स्कूल है, उस तरह का स्कूल नहीं है जिस तरह के स्कूल में हम और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों आजकल मार्जी बहुत ज्यादा अपने स्कूल से नफरत कर रही थी, द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनके पास जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर, रोबोट वाले टीचर, हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स। आजकल उसके रोबोटिक टीचर ने जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था, यानी वो रोबोटिक टीचर टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था,
और मार्ची बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी और इस बात से दुखी होकर उसकी माँ ने यानी मार्जी की मदर ने सेंट फॉर मतलब भिजवाया था, बुलवाया था कॉन्टी इंस्पेक्टर को। कॉन्टी इंस्पेक्टर मतलब जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है, अर्थात वो एक मैकेनिक होता है जो रोबोटिक टीचर मीन्स क्या, मशीन, उस मशीन को ठीक करता है। तो आगे क्या है देखते हैं हम लोग। He was a round little man. अब कॉन्टी इंस्पेक्टर आ गया है और कॉन्टी इंस्पेक्टर मशीन को ठीक करने वाला है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools. वह एक छोटा आदमी था, गोल आदमी था, मोटा आदमी था मतलब, और उसके पास एक बॉक्स था टूल्स का। टूल्स मतलब क्या, औजार, विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें बहुत तरह के डायल्स थे, वायर्स थे। He smiled at Margie. वो आते ही मार्जी को देखकर मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसको रोबोटिक टीचर को उठा करके अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को इस बात की उम्मीद थी कि यह जो है कॉन्टी इंस्पेक्टर, वह हमारे रोबोटिक टीचर को एक बार पूरी तरह से खोल देगा तो इसे फिर वापस यह पुट नहीं कर पाएगा यानी फिर से इसे फिट नहीं कर पाएगा, ऐसा उसे उम्मीद था मार्जी को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन कॉन्टी इंस्पेक्टर तो अच्छी तरह जानता था कि किस तरह से इसे ठीक कर देना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, लगभग एक घंटे की मेहनत के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर सोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। एक घंटे के बाद वो कॉन्टी इंस्पेक्टर ने रोबोटिक टीचर को पूरी तरह से ठीक कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग को बताया जा रहा है कि मार्जी जो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, और जो स्लॉट बना हुआ था यानी उसके कंप्यूटर स्क्रीन का वो हिस्सा जहां मार्जी को अपने होमवर्क, गृह कार्य पुट अप करना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे, उस भाग से ज़्यादा नफरत कर रही थी मार्जी, क्योंकि उसका टेस्ट में जो मार्क्स थे वो बहुत ख़राब आ रहे थे। और क्या होता है आपके साथ भी, जब आप कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो और उस सब्जेक्ट में लगातार आपके मार्क्स ख़राब आ रहे हो तो नेचुरली आप उसके लिए थोड़ा सा डिसलाइक डेवलप कर लेते हैं, नापसंद अपने आप में ले आते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। मार्जी को अपने होमवर्क हमेशा पंच कोड में लिखने पड़ते थे। पंच कोड जैसे कंप्यूटर क्या काम करता है, कोड पर काम करता है। ठीक है, दे मेड हर लर्न, और इस पंच कोड को मार्जी को सिखला दिया गया था व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह केवल 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो टेस्ट देता था वह तुरंत, आज हमारी कापियाँ प्रतियोगिता परीक्षा की जो कापियाँ होती हैं, एग्जाम पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम होते हैं, उनका एवलुएशन कैसे होता है, उनकी जांच कैसे होती है, तो वो मशीन के माध्यम से होती है। कंप्यूटर में सारा डेटा फिट होता है और कॉपी डालते ही बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में कैलकुलेट हो जाता है कि इस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। वहाँ भी, यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि मैकेनिकल टीचर मार्जी के मार्क्स को बिना कोई समय कमाए, इन नो टाइम का मतलब कोई समय लगाए बिना कैलकुलेट कर लेता था। कैलकुलेट मीन्स गिन लेता था। आगे देखते हैं आगे क्या है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर यानी कॉन्टी इंस्पेक्टर जो मशीन को ठीक करने आया था रोबोटिक टीचर को, वह अपने काम को पूरा करने के बाद मार्जी को देखकर मुस्कुराया एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के माथे में थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और कॉन्टी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स। उसने कहा कि अरे आपकी बेटी का ये गलती नहीं है मिसेज जॉन्स, इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, Those things happen sometimes. उसने कहा कि अरे ज्योग्राफी वाला पार्ट आपके रोबोटिक टीचर का थोड़ा सा फास्ट हो गया था, थोड़ा सा तेज हो गया था, और ए मार्जी के लेवल का नहीं हो करके यह 10 ईयर लेवल का हो गया था, यानी
बड़े बच्चों के लेवल के अनुसार यह सेट हो गया था। ऐसा कभी कभी होता है, दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा क्वालिटी इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है। और उसने आगे मार्जी को फिर से पैट किया, यानी फिर से उसके सर को थपथपाया और उसने कहा कि यह बच्ची तो आपकी अच्छा कर रही थी। लेकिन मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ा निराश हुई, डिसअपॉइंट हुई। क्यों डिसअपॉइंट हुई? क्योंकि मार्जी जो है, सी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद था कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी को इस बात की उम्मीद थी कि हमारा टीचर खराब हो गया है, मशीन खराब हो गई है, तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा वो पूरा इसको उठाकर ही ले जाएगा। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था कि टॉमी का जो रोबोटिक टीचर था उसमें कुछ गड़बड़ी आई थी और क्वालिटी इंस्पेक्टर जो आया था उसको पूरी तरह से ले गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्जी सोची थी कि अगर हमारा जो रोबोटिक टीचर है वो कुछ दिन के लिए ले जाया जाएगा तो आई विल बी सेफ फ्रॉम द स्टडी, मैं पढ़ने से बच जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन दिस डिडंट हैपन। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और इसके पहले ये सारी चीजें याद कर रही है मार्जी कि स्कूल भला कोई ऐसी बढ़िया चीज तो होती नहीं है जिसके बारे में किताबों में कुछ लिखा जाए। तो वह कहती आखिर स्कूल क्यों, स्कूल के बारे में इस किताब में क्यों लिखी हुई है? कौन सी किताब की बात हो रही है? जो टॉमी ने पाया है अपने घर के एटिक पर, छज्जे पर पाया है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, ऐसा पूछा था मार्जी ने। और टॉमी ने उत्तर दिया कि यह किताब स्कूल के बारे में, यानी स्कूल का वर्णन कर रहा है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी बहुत श्रेष्ठता की दृष्टि से देखता है किसको, मार्जी को। कहता है बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, यह हम लोगों के तरह की स्कूल के बारे में नहीं है मूर्ख लड़की, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये तो सालों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे ना, 100-200 साल पहले, उस तरह के स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, ऐसा उसने कहा सेंचुरीज अगो। और वह बहुत ही सावधानी से सेंचुरीज अगो, सेंचुरी मीन्स क्या होता है, हंड्रेड ईयर्स, 100 साल के समय को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। और उसने कहा कि सेंचुरीज अगो, यानी 100 साल पहले जो चीज़ें होती थी उसके बारे में, यानी उस तरह के स्कूल के बारे में लिखा हुआ। मार्जी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्जी कहती मुझे तो ये भी पता नहीं है कि पहले वाले लोगों के कैसा स्कूल होता था, है ना। एंड सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और मार्जी टॉमी के कंधे पर झुक कर कुछ देर के लिए किताब को पढ़ती है ना। और फिर एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर वो पूछती है अच्छा क्या उनके पास भी टीचर होते थे? टॉमी कहता श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। टॉमी कहता है हाँ टीचर तो उनके पास होते थे, लेकिन उनके जो टीचर होते थे वो हमारे जैसे रोबोटिक टीचर नहीं होते थे, रेगुलर टीचर नहीं होते थे। यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब है रोबोटिक टीचर। इट वॉज अ मैन, आदमी हुआ करते थे उनके यहाँ टीचर। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहती है कि कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है? हाउ कैन अ मैन टीच, कैसे कोई आदमी पढ़ा सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Tommy कहता है कि कुछ नहीं, वो लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे, उन्हें प्रश्न पूछते थे, इस तरह से वो पढ़ाते थे। मार्जी को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कैसे होगा। मार्जी आगे कहती है A man isn't smart enough. एक आदमी उतना स्मार्ट, उतने तेज तरार होते थे? Sure he is. टॉमी कहता हाँ होते थे। My father knows as much as my teacher. टॉमी कहता मेरे पिताजी भी तो उतने ही जानते हैं, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर ये मशीन जानता है। He knows almost as much. मैं तो दावा कर सकता हूँ। आई बेचा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैलेंज करना। आई बेचा, वो कहता है कि मैं तो दावा कर सकता हूँ। मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इतना विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. खैर मार्जी कहती कि मुझे तो इस बात का थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई strange man मतलब अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए, ये तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। टॉमी
जो था वो स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसने लगा, है ना। वो कुछ कुछ चीजें जानता था तो ही वॉज बींग स्मार्ट, वह थोड़ा तेज बन रहा था अपनी बहन के साथ। यू डोंट नो मच मार्जी, उसने कहा तुम कुछ भी नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स थोड़े ना घर में रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने के लिए, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, और अगर सारे बच्चे एक उम्र के होते थे तो सभी बच्चों को सेम थिंग एक ही चीज़ें सिखाई जाती थी, वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। तो आगे मार्जी कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ हिज बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट इज किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि टीचर्स को हर एक स्टूडेंट्स के लेवल के अनुसार एडजस्ट होना चाहिए और वो हर एक स्टूडेंट को डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाए। तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम थिंग, यही चीज तो वो करते थे, जस्ट द सेम थिंग सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड बुक्स। टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो। अब टॉमी चिड़चिड़ा हो जाता है मार्जी के प्रश्नों, लगातार प्रश्न पूछने की बात से। I didn't like it. मार्जी कहती मैंने तो नहीं कहा, I didn't like it. मैंने ये बात तो नहीं कही कि मुझे यह किताब पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, जल्दी सुनने का, सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो उस मज़ेदार स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड, और वो इस किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे कि वेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, यानी मार्जी का जो घर में स्कूल था उसका टाइम हो गया था और उसकी मदर ने कॉल कर दिया। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या तुम्हारे साथ मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। और मार्जी ने ऐसा कहा, टॉमी ने आगे क्या कहा एंड वॉट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपने यहाँ तक देखा एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।